वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो में आप येलो स्टोन पीले रंग की जो पोटी होती है, पीले रंग का जो पखाना होता है, इसके आने की जो अलामत होती है, जो कि डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट सिम्टम्स होती है, अलामत होती है, कौन सी कंडीशन में कौन सी अलामत जाहिर होती है ये जान पाएंगे, और इसके अलावा कौन सी कंडीशन या बीमारी के लिए क्या तरीका इलाज है वो इख्तियार किया जाता है, आज की वीडियो में आप ये जान पाएंगे। फ्रेंड्स, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगी और आप हमारी वीडियो जो सबसे पहले देख पाएंगे। टॉपिक की तरफ आते फ्रेंड्स, की पीले रंग की पोती आने की क्या अलामत होती है, येलो स्टूल की क्या अलामत होती है, कौन सी कंडीशन में कौन सी अलामत होती है। फर्स्ट कंडीशन, लीवर एंड गॉल ब्लैडर डिसऑर्डर, ये जिगर और पित्त की बीमारियां। इस कंडीशन की अलामत में पीले रंग के स्टूल के साथ जो इंसान को दर्द होती है, और अगर इसके ट्रीटमेंट की बात की जाए तो जिगर की बीमारियां, सोराइसिस और हेपेटाइटिस का जो इलाज किया जाता है, और इसके अलावा गॉल ब्लैडर पित्त की जो बीमारियां इसकी वजह बन रही होंगी उसकी ट्रीटमेंट की जाती है। नेक्स्ट जो कंडीशन है, ऐसी बीमारियां जिनकी वजह से लबलबे पर जो असर पड़ता है, और ये बीमारियां पीले स्टूल की वजह बनती है। इनकी अलामत में सिम्टम्स में स्टूल जो पीले रंग का होता है, और इसके अलावा ये ग्रीसी होता है, ग्रीसी यानी स्टूल में चिकनाई जो नजर आती है। इस चिकनाई की वजह से ये पीला जो स्टूल होता है वो वॉशरूम की सीट के अंदर जो वो तैरता हुआ नजर आता है, या फिर ये जागदार नजर आता है। और ऐसी बीमारियां जिनकी वजह से लबलबे पर अफेक्ट हो रहा हो, असर पड़ रहा, इन बीमारियों का इलाज किया जाता है। नेक्स्ट जो कंडीशन पीले स्टूल की वजह बनती है वो है सीलिएक डिजीज। इस बीमारी की 300 अलामत होती है, जो कि किसी भी बीमारी की सिम्टम्स का अलामत का जो एक बहुत बड़ा नंबर है। 300 सिम्टम्स को डायग्नोज करना डॉक्टर्स के लिए काफी मुश्किल होता है। लेकिन इस कंडीशन की कॉमन और आम अलामत ये होंगी, इंसान को डायरिया, पेचेस होंगे, या फिर कॉन्स्टिपेशन, कब्ज होना, दिल खराब होना यानी मतली होना, पेट में गुड़गड़ाहट की आवाज आना, थकावट होना, सरदर्द होना, स्किन रैशेज होना यानी जल्द का सुरख होना, और हड्डियों की खराबी होना, डिप्रेशन होना। अगर इस कंडीशन की ट्रीटमेंट की बात की जाए, सीलिक डिजीज बीमारी की कोई ट्रीटमेंट मौजूद नहीं है, इसका कोई तरीका इलाज नहीं है। इस बीमारी का इलाज बस यही है कि सीलिक डिजीज बीमारी के शिकार अफराद को अपनी डाइट यानी गिजा में से ग्लूटेन को जो है वो निकालना होगा। नेक्स्ट जो कंडीशन पीले स्टूल की वजह बनती है वो है गिल्बर्ट सिंड्रोम। इस कंडीशन की क्या अलामत होती है, पीले रंग के स्टूल के साथ इस बीमारी के शिकार अफराद को माइल्ड जॉइंटस होता है, यानी कम शिद्दत वाला यरकान जो है ऐसे अफराद को होता है, और ये यरकान जब इंसान को होता है ये इतनी कम शिद्दत का होता है, यहाँ तक कि ऐसे अफराद जिनको ये यरकान हो चुका होता है इनको भी पता नहीं चलता है कि इनको यरकान हो चुका है, और यही वजह है कि गिल्बर्ट सिंड्रोम बीमारी का जो है वो इलाज नहीं हो पाता, ये अनट्रीटेड रह जाता है, क्योंकि इंसान के अंदर जो सिम्टम्स होती है वो बहुत माइल्ड होती है, बहुत कम होती है, जिसकी वजह से पता ही नहीं चलता, लेकिन जब शायद पता चलता होगा तब ये बीमारी काफी बढ़ चुकी होती होगी। नेक्स्ट जो कंडीशन है जियार्डिस। इस कंडीशन की वजह से इंसान को डायरिया, पतली पोटियां होती हैं जो कि बदबूदार होती हैं, जो कि अक्सर पीले रंग की होती हैं। नेक्स्ट जो कंडीशन है पेट में दर्द होना, दिल खराब होना, सर दर्द होना, लो ग्रेड फीवर होना, यह ऐसा बुखार होता है जो कि 100 डिग्री से 102 डिग्री बुखार होता है, वजन में कमी आती है। जियार्डिस कंडीशन की अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए, इसकी तशखीस के लिए स्टूल पखाने का जो है वो सैंपल लिया जाता है, का सैंपल लेके इसका टेस्ट किया जाता है, और इस कंडीशन के शिकार अफराद के लिए इलाज की जरूरत नहीं होती है, लेकिन अगर ट्रीटमेंट की जरूरत पड़े तो ज्यादातर अफराद को एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। जियार्डिस ऐसी कंडीशन है जो कि कई हफ्तों तक जो इंसान को रहती है। कुछ अफराद में, कुछ केसेस में जो है वो जियार्डिस की जो कंडीशन है ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाती है, ज्यादा क्रॉनिक हो जाती है, सीवियर हो जाती है, पर ऐसा कमोबेश ही होता है, यानी रेयर चांसेस होते हैं इस बीमारी के बढ़ने के, यानी ये कंडीशन काफी क्रॉनिक हो जाती है लेकिन कम होती है, ऐसे अफराद की तादाद कम होती है। जियार्डिस एक ऐसी कंडीशन है जो कि पूरी दुनिया में आम पाई जाती है, ये कॉमन कंडीशन है। पीले रंग के स्टूल की वजह से अगर कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, मसाइल पैदा हो जाती है, ये बीमारियां हो जाती हैं। पीले रंग के स्टूल की वजह से अगर निजाम इनजाम हजम करने का जो निजाम है, इसकी नाली में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई मसाइल पैदा हो जाए, तो इसकी वार्निंग साइन जो है वो जाहिर होती है, इसकी अलामत जो है वो जाहिर होती है, जिनकी सूरत में आपको लाजमी डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए, वो ये है। इसके सिम्टम्स और अलामत ये होंगी, डायरिया होगा, डायरिया यानी पेचिस होंगे, दिल खराब होना और उल्टी आना। नेक्स्ट जो सिम्टम है बदहजमी और गैस होना, और इसके अलावा ऐसा स्टूल पास करना
जिसमें शदीद किस्म की गंदी बदबू आना, सीवियर बैड स्मेलिंग स्टूल, पेट में सूजन होना, गुड़गुड़ाहट की आवाज आना, पेट में दर्द होना। पीले स्टूल की वजह से मजीद जो कॉम्प्लिकेशन पैदा हो सकती हैं, वो ऐसे अफराद जो यरकान के साथ हो, यानी ऐसे अफराद जिनके पीले स्टूल की वजह से होने वाले मसाइल में, ऐसे अफराद में पीले रंग के स्टूल के साथ यरकान होना, बुखार होना, थकावट होना, जिल्द पर खारिश होना, हड्डी और जोड़ों में दर्द होना इसके अलामत में शामिल है। नेक्स्ट, कौन सी अलामत की सूरत में आपको डॉक्टर से रब्ता करने की जरूरत होती है, आपको मेडिकल हेल्प की जरूरत होती है। अगर आपकी पोटी स्टूल का रंग जो है वो पीला हो, तो इसकी ज्यादातर वजह जो इंसान की डाइट में होने वाली जो चेंजेस होती है, तब्दीली जो होती है, वो इसकी वजह होती है, जिसकी सूरत में डरने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर स्टूल का रंग जो है वो कई दिनों तक मुसलसल पीला रहता है और इसके साथ दूसरी अलामत भी हो, कौन सी अलामत की सूरत में आपको डॉक्टर से फौरी रब्ता करने की जरूरत होती है, आपको मेडिकल हेल्प की जरूरत होती है। अगर आपकी पोटी स्टूल का रंग जो है वो पीला हो, तो इसकी ज्यादातर वजह इंसान की डाइट में होने वाली कुछ चेंजेस होती हैं, कुछ तब्दीलियां इसकी वजह होती हैं। लेकिन अगर स्टूल का रंग जो है वो आपका कई दिनों तक पीला रहता है, मुसलसल पीला रहता है, यानी पहली कंडीशन जो बताई गई है, डाइट की सूरत में आपको डरने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन ऐसा स्टूल जो कि मुसलसल पीला रहता है और इसके साथ दूसरी अलामत भी हो, अगर पीले स्टूल के साथ ये अलामत भी हो, तो आपको फौरी डॉक्टर से रब्ता करने की जरूरत होती है। वो अलामत ये होती है, मरीज का बेहोश होना। नेक्स्ट जो सिम्टम है वो ये है कि ऐसे अफराद जिनके पीले स्टूल के साथ, नेक्स्ट जो इसकी अलामत है, अपने आसपास किसी भी बात का होश ना होना। नेक्स्ट जो सिम्टम है, कंफ्यूज नजर आना या ऐसे अफराद के ज़हनी हालत में तब्दीली होना जिनके पीला स्टूल हो। नेक्स्ट जो सिम्टम है, बुखार होना, उल्टी आना, पेट में दर्द होना, सांस लेने में मुश्किल पेश आना, स्टूल पोटी में जो है वो पस पड़ना, रेशे का आना, यूरिन पेशाब में कमी आना जैसी अलामत अगर जाहिर होती है, तो आपको फौरी डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है, स्टूल का रंग जो है वो कैसे तब्दील होता है, ये पोटी का रंग जो है वो कैसे चेंज होता है। बिलीरुबिन और बाइल, ये दोनों चीजें इंसान की पोटी को जो है वो इसका नॉर्मल रंग देते हैं, जो कि ब्राउन रंग का होता है। बिलीरुबिन की बात की जाए तो ये रेड ब्लड सेल्स का एक हिस्सा होते हैं और बिलीरुबिन जो है वो जिगर में पैदा होता है और आगे पित्ते की तरफ जो है वो जाता है, जहाँ ये बाइल के साथ मिक्स होता है और वहाँ से आगे ये बिलीरुबिन आंत में जो है वो जाता है, जहाँ बैक्टीरिया इसको तोड़ता है और इंसान का सिस्टम जो है मजीद इसको पोटी और यूरिन में तब्दील करता है और ये दोनों मकद और पेशाब की नाली के रास्ते जिस्म से बाहर निकल जाते हैं, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है और ये प्रोसेस रोजाना की बुनियाद पर इंसान के जिस्म में होता है। बिलीरुबिन और बाइल जो है वो एक फ्लूइड होते हैं, अगर इन फ्लूइड में कुछ कमी हो जाए या इन दोनों के अमल में जो है वो खलल पैदा हो जाए, जो कि मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से होते हैं और आगे जाकर ये अलामत की सूरत में जो जाहिर होते हैं, वो इंसान के स्टूल को जो है वो पीला कर देते हैं, जो कि इंसान के लिए एक अलामत होती है कि इनको कोई कंडीशन हो चुकी है जिसकी ट्रीटमेंट लेना जो है वो जरूरी होता है। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती है जो कि बेजरर होती है, कुछ वक्त के बाद पीला स्टूल जो है वो खुद ही खत्म हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनके होने की सूरत में ये पीला स्टूल जो है वो मुसलसल रहता है, जिसकी सूरत में आपको ट्रीटमेंट लेने की जरूरत होती है। हो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा, तो प्लीज मजीद अवेयरनेस और आगाही के लिए आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। कोई बात सीखने को मिली है, कोई बात आपको अच्छी लगी है, प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।